देखिए राजधानी दिल्ली की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति। जी हां, न्याय की देवी की आग से पट्टी हटी, जहां हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने ऑर्डर देकर ये मूर्ति बनवाई थी, नई मूर्ति है। जहां मूर्ति के दाएं हाथ में तराजू बरकरार है, तो वहीं आंखों से अब पट्टी हटा दी गई है और साथ ही हाथ में संविधान की एक किताब भी है। तो देखिए, ये नई मूर्ति हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, जहां पर पहले जो इस मूर्ति को कहा जाता था कि लेडी ऑफ जस्टिस, और अब इस मूर्ति में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा बदलाव यहां पर किया गया है। जहां चेहरे पर पट्टी बंधी थी, लेकिन वो पट्टी हटा दी गई है, तो वहीं दूसरी ओर हाथ में तलवार थी, लेकिन उस तलवार की जगह पर संविधान की किताब है। तो ये नई मूर्ति अब चर्चाओं का विषय भी बनी हुई है। आपको बता दें कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने ऑर्डर देकर नई मूर्ति बनवाई थी। देखिए, लगातार जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे थे, इसको लेकर कई लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे थे कि आंखों पर पट्टी, यानी कि इससे ये दर्शाया जाता है कि कहीं ना कहीं जो न्याय की देवी है, वो इस प्रकार से कही जाती थी कई सारी बातें कि अंधी है, अंधा कानून है, इस प्रकार के ताने भी मारे जाते थे। लेकिन अब सीजेआई चंद्रचूड़ ने ये नई मूर्ति बनाई है। आपको ये भी बताते हैं कि क्यों बंधी होती है काली पट्टी, ये हम आपको बता देते हैं। कई सारी बातें कही जाती है, लेकिन इसके पीछे एक बेहद ही महत्वपूर्ण कारण है। किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, अमीर गरीब छोटा बड़ा का भेदभाव ना हो, इसलिए ये काली पट्टी बांधी जाती थी। साथ ही किसी के भी बीच मतभेद नहीं किया जाएगा, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सच का साथ, सभी को निष्पक्ष न्याय दिया जा सके, और ये तमाम वजह है जिसकी वजह से काली पट्टी बांधी जाती थी। लेकिन इसको लेकर कुछ लोगों ने अपनी अपनी बातें भी रखी थी और इसको लेकर सवाल भी खड़े किए थे, लेकिन अब ये मूर्ति, यानी कि नई मूर्ति बनाई गई है। अब आपको ये भी बताते हैं कि कहां से आया था कॉन्सेप्ट, इसके पीछे क्या वजह थी, ये भी हम आपको बता देते हैं। न्याय की देवी का कॉन्सेप्ट मिस्र और यूनान से आया था। अब दुनिया भर की अदालतों में तस्वीर है, मिस्र में संतुलन और समरसता न्याय का प्रतीक माना जाता है। यूनान में सच्चाई, कानून और व्यवस्था की प्रतीक इस देवी को कहा जाता है। तो वहीं रोमन लोग यहाँ पर जस्टिशिया को न्याय की देवी मानते थे। वहीं यहाँ पर भी आपको ये भी बता दें कि देवी धीरे धीरे लेडी जस्टिस हो गई। तो ये तमाम वजह बताई जाती है कैसे इसका नाम निकल कर सामने आया, और उसके साथ ही क्या वजह थी कि इस न्याय की देवी, यानी कि न्याय की मूर्ति का जो चेहरा था उस पर पट्टी बांधी जाती थी। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए। सर, जिस प्रकार से एक नई मूर्ति निकलकर सामने आई है, इस मूर्ति को आप कैसे देखते हैं, और जो मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है डीवाई चंद्रचूड़ की ओर से, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मूर्ति वही है, कुछ संशोधन हुए हैं। मूर्ति जैसा हम बता रहे हैं कि यूनान की एक देवी है जिनके नाम पे ये मूर्ति जस्टिशिया कही गई, और बात जस्टिस शब्द भी इसी से आया। और 17वीं शताब्दी में एक अंग्रेज अधिकारी भारत ये मूर्ति लेकर आए, और 18वीं शताब्दी से अंग्रेजों के शासन के समय न्यायालयीन प्रक्रिया में आंखों पर पट्टी, हाथ में तलवार और तराजू लिए इन देवी की मूर्ति न्यायालय में प्रयोग में आने लगी। लेकिन भारत इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और सनातन परंपरा में भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ बहुत संशोधन होते हैं जी। न सिर्फ हमारे संविधान में अनेक अमेंडमेंट्स हुए हैं, बल्कि हमारी सब, मैं बात करूँ अगर सनातन परंपरा से जुड़ी जो धर्मग्रंथ और पुस्तकें हैं, अब आप कल्पना कीजिए कि एक रामायण वाल्मीकि रामायण है, और उत्तर और दक्षिण भारत में अनेक लेखकों ने रामायण का लेखन किया, और तुलसीदास जी ने ठेठ मुगल काल में 15वीं शताब्दी में रामायण लिखी, और उस रामायण का इंटरप्रिटेशन उन्होंने अपनी दृष्टि से किया। तो यही ताकत है किसी भी लोकतंत्र की और किसी भी ऐसे समाज की जो हर चीज के लिए अपने को खुला रखता है, खासतौर से विचार को लेकर जी। और यही वजह है कि वो मूर्ति जिसकी आंख पे पट्टी बंधी थी, अब पट्टी नहीं है। जहां तलवार थी उसके हाथ में, वहां संविधान की प्रति है, और नहीं बदला है तो वो तराजू जो ये बताता है कि निष्पक्ष रहना है, संतुलन बनाए रखना है। संतुलन इसलिए बनाए रखना है कि किसी दोषी को कोई छूट जाए, एक बार भले ही वो हो जाए, लेकिन किसी निर्दोष को सजा ना मिले जी। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा संशोधन है ये, इसकी सराहना की जानी चाहिए जी। अनुपम, बिल्कुल सर, और जिस प्रकार से बदलाव किया गया है, इसको लेकर अब लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर सामने आती है, ये भी देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए।